कल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर जो सीज फायर की करारदाद पेश की गई है, इसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया। अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है देखना कि पहली जो दो करारदाद इस तरह की आई थी, रेजोल्यूशंस आई थी, उसमें इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। सीज फायर को इंडिया ने ना उसके हक में वोट दिया ना उसके खिलाफ वोट दिया, इंडिया ने वहाँ से साइडलाइन होना ही मुनासिब समझा। इसराइल को असल में उन्होंने खुश करने की कोशिश की हुई थी पहले। अच्छा, इस बीच ये हुआ कि ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि इंडिया जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी तब्दील हो रही है फ़लस्तीन के हवाले से, और मोदी ने 7 अक्टूबर वाले हमले से कुछ ही घंटे के बाद इसराइल के फेवर में एक ट्वीट कर दिया था, और उसके बाद इसराइल ने लश्कर ए तैयबा को आउट ऑफ नोवेयर एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया इंडिया को खुश करने के लिए। और इंडिया के अंदर जो इजरायली सफ़ीर है, उन्होंने इंडिया से ये फरमाइश कर दी थी कि आप भी हमास को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करें। इन सारी बातों के चलते हुए इंडिया की जानिब से सीज़ फायर के हक में वोट ना डालना बड़ी बात थी। अच्छा, इस पर इंडिया ने एक अनऑफिशियल नोट इशू किया था कि हमारे हिसाब से 7 अक्टूबर वाला हमला टेररिस्ट अटैक था। उन्होंने फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनऑफिशियली तस्लीम भी कर लिया था, और उन्होंने कहा कि ये जो करारदादें आ रही हैं इसके अंदर हॉस्टेजेस के रिलीज की बात नहीं आ रही, तो इसीलिए हम मुनासिब नहीं समझते इसकी फेवर में वोट डालना और इसको अप्रूव करना। तो हम नहीं समझते कि इसको सीज़ फायर को ओके इस वक्त करना कोई ज़रूरी है। लेकिन कल की जो करारदाद पेश हुई है उसमें झट से इंडिया ने उसके फेवर में वोट डाल दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि द डैमेज हैज़ बीन डन ऑलरेडी। इंडिया को एक शटअप कॉल गई है, या इंडिया को पता नहीं खुदा जाने क्या कोई डिप्लोमेटिक वहाँ से तार गया हुआ है उनके पास कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। यकायक इंडिया ने पॉलिसी में पलटी मारी है, शिफ्ट मारी है मोदी सरकार ने, और पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी थी उसी को उन्होंने दोबारा से अडॉप्ट कर लिया है, यानी इजराइल मुखालिफ मिडिल ईस्ट पॉलिसी। अब इसके चलते मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इंडिया के इस चेंजिंग स्टांस के पीछे जहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, तो वहाँ पर ये भी एक फैक्टर है। इंडिया का एक जहाज़ था, वो जा रहा था मैंगलोर पोर्ट, जो इंडिया का है, मैंगलुरु भी उसको बोलते हैं कुछ लोग, तो वहाँ से ये जा रहा था टुवर्ड्स यूरोप, और उस जहाज़ के ऊपर क्या था, फाइटर जेट फ्यूल, उससे लोडेड एक जहाज़ था, बड़ा कीमती साजो सामान उस जहाज़ के ऊपर था। अब ये यूरोप जा रहा था कहा जाता है, तो उसके ऊपर हौथियों ने हमला कर दिया, इंडियन जहाज़ों के ऊपर अब से कुछ देर पहले उन्होंने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद लग यूँ रहा है उनका पैटर्न देख के हौथियों ने वार्निंग दिया गालिबन, उन्होंने टारगेट नहीं किया शिप को लेकिन उसके आसपास मिसाइल मारे हैं, शायद उन्होंने एक वार्निंग देने की कोशिश की है हिंदुत्वा सरकार को कि आप ये जो स्टांस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये बड़ा भारी पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर वो देखे ना हिट करने पे आते तो उन्होंने अभी तक जितने भी हिट करने की कोशिश की है सारे तकरीबन जो जहाज़ थे उनको हिट उन्होंने किया हुआ है। तो इंडिया का ये जो जहाज़ था उसके पास ये मिज़ाइल गिरे हैं, इससे मालूम यही होता है कि ये वार्निंग शॉट्स थी। मैं ज़रा आपको इंडिया के चेंजिंग स्टांस के ऊपर रेफरेंस दिखा देता हूँ। द हिंदू इंडिया का न्यूज़ आउटलेट, बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने लिखा कि 2 months ऑन इंडिया शिफ्ट्स पोजीशन, वोट्स इन फेवर ऑफ इमीडिएट सीज फायर बाय इजराइल। पहले नहीं डाल रहे थे, पहले सीज फायर के हक में वोट नहीं डाल रहे थे। वुड यू बिलीव दैट? अपने मुल्क के अंदर 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, वो सारे के सारे एक जबान है कि भाई ये सीज फायर होनी चाहिए। करोड़ों की तादाद में हिंदू बरादरी के लोग हैं, वो एक जबान है कि सीज फायर होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत यानी वहाँ हिंदुत्व सरकार जो है वो कह रहे थे कि नहीं, सीज फायर की भी ज़रूरत नहीं। इंडिया भी इस तरह की लारे लप्पे दे रहा था, लेकिन अब उन्होंने पोजिशन चेंज करके उन्होंने कहा कि सीज फायर की हिमायत करते हैं। और फिर आप वाशिंगटन पोस्ट की अभी थोड़ी देर पहले छपी हुई ये खबर देखें कि मिसाइल्स फ्रॉम रेबल हेल्ड यमन मिस अ शिप लोडेड विद जेट फ्यूल नियर दी की बाबल मंदब स्ट्रेट, और वो कहते हैं कि 2 missiles fired from territory held by Yemen's Houthi rebels missed a commercial tanker loaded with Indian manufactured jet fuel near the key Babel Mandab Strait on Wednesday, 2 US officials said. It is the first time they target an energy shipment heading to the Suez Canal. अब देखिए यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि इंडिया के यूरोप के साथ होने वाले ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा बाबल मंदब के पास से होके गुजरता है। इंडिया जो यूरोप के साथ ट्रेड करता है ना, वो यहाँ से गुजरता है,
बाबल बंदर के पास से, और वहाँ से भी जो इंडिया की तरफ शिपमेंट्स आ रही होती हैं वो बाबल बंदर से क्रॉस करती हैं, यूरोप से जो आ रही होती हैं। इसी रिस्क को डाइल्यूट करने के लिए गालिबन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यूरोप के साथ वो जो लिंक करने वाला आईमेक बना रहे थे, तो वो इसीलिए गालिबन बना रहे थे, लेकिन वो धपड़दूस हो गया है क्योंकि उसके अंदर इसराइल था, और इसराइल और अरबों के दरमियान तो अब जिस तरीके के रिलेशंस हैं उसमें नियर फ्यूचर में आईमेक का बनना नामुमकिन है। तो ले दे के इंडिया के पास यही ऑप्शन है एक, ये जो स्विस कैनाल वाला। दूसरा ये जो अफ्रीका के नीचे वाला रास्ता है, बहुत लेंदी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस इंडिया को दे सकता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो यूरोप की तरफ अपने गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस दे सकता है। इंडियन प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी वहाँ पे यूरोप के अंदर, और महंगी प्रोडक्ट्स पर मंडियों में मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा उनकी जो सेल है उस पर भी ज़ाहिर सी बात असर पड़ेगा। इसका फ़ायदा फिर चाइनीज़ को होगा, चाइनीज़ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पे यकीनी तौर पर गैप को फिल इन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मोदी सरकार के जो हिंदुत्व के ठग हैं जो सिर्फ छोटी सी चीज़ को देखते हैं कि हमें वोट कहाँ से मिलेगा, बस उसके चलते वो अपनी फॉरेन पॉलिसी भी उसी हिसाब से बनाते हैं, अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं की हुई थी, और उन्होंने कोशिश की थी थोड़ा सा डाइवर्ट होने के लिए, लेकिन उसका आप फॉलोआउट देखें। अच्छा, ब्रॉडर व्यू के अंदर बाय द वे मैं यहाँ पर कोई 10 मरतबा जब से 7 अक्टूबर से लेके ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो मैं यहाँ पर इंडिया के इस रवैये पे एक कंसर्न रेज करता रहा हूँ कि इंडिया इस तरह से इसराइल के साथ वो नथी नहीं हो सकता बिल्कुल, मतलब आप चाहकर भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कुछ ज़्यादा उनके सपोर्ट आप कर नहीं सकते। जियोपॉलिटिकल, जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए, जिसको ओवरकम करना तकरीबन नामुमकिन है। ये जियोग्राफिकल लिमिटेशन है ना कि आपका ट्रेड जिन इलाकों से गुजरता है वो अरब इलाके हैं सारे के सारे, तो अरबों के खिलाफ आप जा नहीं सकते इस तरह से। आपके जो जहाज़ गुजरते हैं अरब इलाके हैं सारे के सारे, अरब इलाके हैं। इंडिया के अंदर हिंदुत्व वाले बुरा भला बोलते रहते हैं मुसलमानों को और अरबों को, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी जो डिपेंडेंस है कुछ ज़्यादा ही है हर एतबार से, ट्रेड कमर्शियल के एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से, फॉरेन रिमिटेंसेस के एतबार से वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अरब ब्लॉक के ऊपर। तो उनसे हटके ये पॉलिसीज वैसे भी नहीं बना सकते थे। और ये जो वाकया हुआ है, अब मुझे बताएं बाबल मंदब पे अगर जैसे इसराइली शिप्स का आना जाना बंद है ना बिल्कुल, तो कितना मसला हो रहा है इसराइल के लिए। वो एलात के पोर्ट की मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई थी कल, वो बिल्कुल खाली लगा पड़ा है। इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है, लेकिन 85% उसका रेवेन्यू गिर गया है एलात के पोर्ट का, जब से लेके ये हौथियों ने जो है जंग के अंदर कूदे हैं। तो 85% कितनी बड़ी फिगर है, पोर्ट के ऑपरेशंस बंद हो गए हैं, ठप हो गया काम वहाँ पे। तो अगर यही सूरत हाल आप देखें कि इंडिया की जो ट्रेड गुजर रहा होता है यूरोप के साथ और इनके साथ, अगर वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस इंडिया को हो सकता है।